अस्थियाँ पे तीसरे वाले दिन यहाँ से उठा के जहाँ लाइब्रेरी ऑफिस बना हुआ है वहाँ रख देते हैं, जिनके बाद रस्मात अदा करने के बाद 12 दिन के बाद या महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब वीज़ा मिलना की ज़रूरत पड़ती है, जब इंडिया जाने के लिए जब इनको वीज़ा नहीं मिलता, जो इनकी अस्थियाँ इधर पड़ी रहती है, सालों साल पड़ी रहती है। ये काम तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, यूँ समझ लीजिए 2-4 महीने हो चुके हैं। और इस महाराज के जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है, जो शमशान घाट है, इसके प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ महाराज, वो भी ये काम करवा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट से ही करवा रहे हैं। लेकिन जो भागदौड़ जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो ये काम में, वरना ये बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी काम ये हो रहा है क्योंकि उनके आने के बाद से ये सारी मुश्किलें दूर हो रही है। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के प्रोग्राम में आप लोग आए और आप जो है ये हमारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और आज का जो प्रोग्राम है ये हमारी पाकिस्तान के अंदर 1947 से भी पहले के डोसाराम बाबू, जिन्होंने बहुत बड़ी समाधि ली दी है, जिंदी समाधि ली दी है और आज तक उनकी समाधि चली आ रही है। और आज तक देखे आपके सामने की बात है, कम से कम 1,000-1,500 आदमी का प्रोग्राम है और यहाँ पर चेले बन रहे हैं सारे। ये हमारे गादीपति देवजी बापू, दामजी बापू वगैरह, ये गादीपति है और इन्होंने सारा प्रोग्राम किया है। मेरी बात है, मैं लालजी लक्ष्मण सोलंकी हूँ, गुलबहार में रहता हूँ और हम लोग हर वक्त ऐसे प्रोग्राम के अंदर हम करते रहते हैं। तमाम हमारे गुरुजन हैं और ये महान लोग हैं, इनकी वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर सजावट होती है।
हैं।